हेलो सर, को हम लोग वापस खेले जा रहे हैं सर्वाइवल राउंड क्राफ्ट। हम लोग को मैं अपना ना घर आटा बना चुका था, अब इसका ना सिर्फ शर्ट बनाना बाकी था। अब ऐसा ना इसका शर्ट बना दूंगा। और यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर ना ये मछली को चिपका दिया है, देखो दिखने में भी अच्छा है। और यहाँ पर शार्क का मुंडी, यहाँ पर शार्क का मुंडी भी मैंने चिपका दिया है। शार्क को मैं मारा तो उसके अंदर से मेरे को मुंडी मिला था, उसका सिर मिला था तो उसका सिर चिपका दिया। और यहाँ पर मेरा घर ना आटा बाकी है, और यहाँ पर मेरा बेड यहाँ पर मैं लगा दिया है। मैं ऊपर बता तो ऊपर जाके बताता हूँ कि मेरा ना अभी कितना ना बाकी। देखो यहाँ पर मैं फेंस लगा दूंगा, और देखो वहाँ पर मेरे पूरा ना वाटर स्टोरेज था। यहाँ से देखो मैं पूरा, यहाँ पर मेरा छत बाकी है, तो यहाँ पर मैं ना छत बनाना शुरू करता हूँ। यहाँ पर मैंने नीचे ना पिल्लर लगा दिया, और यहाँ से देखो मैंने ना अपना छत बनाना शुरू देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं जब भी ना इसका कॉर्नर है ना, कॉर्नर पर पिल्लर है ना, यहाँ पर ना ऊपर का छत बना देता हूँ। कॉर्नर पर छत बनाने के बाद देखो अभी मेरा हटोरी टूट गया, तो मैं यहाँ पर अपना हटोरों ना फिर से ना बिल्डअप कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो हटोरी बना लिया, अब यहाँ से मैं इसका ना छत बनाता हूँ। यहाँ से छत बना के पूरा ऊपर का छत ना कवर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर देखो शार्क आ गया, शार्क को अपना है ना ये है ना नाव को टोने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर देखो हम लोग शार्क को मार देते हैं, और इसका जो सिर है ना उसे ना जमा कर लेंगे। यहाँ पर देखो शार्क को, शार्क में मार जाए, अब इसका सिर जमा कर ले तो फिर इसको भी दीवार पर लगा देंगे। यहाँ पर देखो इसको सिर का ले लेते हैं। यहाँ पर देखो हाथ का ऑप्शन आ गया, यहाँ से देखो मेरे को उसका ना एक हेड मिल चुका है इस शार्क का। यहाँ पर देखो मेरे को हेड मिल गया, आप ये हेड हम लोग ना बाद में ना लगा देंगे। यहाँ पर देखो मैं, मेरा आधा शर्ट ना बाकी रहेगा, तो देखो मैंने इतना तो अपना शर्ट पूरा कर लिया है, पूरा कॉर्नर यूज़ कर लिया, बीच का ना इतना शर्ट बाकी है। तो ये शर्ट भी मैं ना पूरा करके आपको मिलता हूँ 2 मिनट। अब देखो यहाँ पर मैं ना अपना नारियल का पेड़ उगाने वाला हूँ, तो मैंने जो छत बना के तैयार कर लिया, तो मैं आपको ना उसको ना बाद में बताने वाला हूँ। पहले यहाँ पर मैं अपना यहाँ पर प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ, जहाँ से मैं ना पूरा नारियल का पेड़ ना उगाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर एक ना मैं कवर ले तो देखो इसके ना नारियल का पेड़ उगने वाला है। यहाँ पर देखो ये जितना लग सकता है उतना मैं लगा देता हूँ। देखो यहाँ पर मेरा खत्म हो गया इसका रिसोर्सेज, मैं रिसोर्सेज लेके आता हूँ, और इसको ना वापस ना लगाना शुरू करता हूँ पूरा लाइन वाइज। यहाँ पर मेरे को रिसोर्सेज लेके आ चुका हूँ। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर डोर लगा दिया था नारियल का पेड़ उगाने वाला। हाँ, यहाँ पर इसका मिट्टी हम लोग को डालना पड़ेगा। पहले मैं आरोप ना इसका ना ऐसा ना प्लेटफॉर्म बना देता हूँ, जिसमें ना नारियल ना आराम से उग सके। यहाँ पर एक और बना देता हूँ, ऐसा जितना भी बन सके उतना बना देता हूँ, और 5 से 10 मेरे को बनाना है बस, उससे ज़्यादा नहीं, उतने में अपना काम हो जाएगा। यहाँ पर मेरे फिर से रिसोर्सेज खत्म हो चुका है। यहाँ पर मेरे को लगता है यहाँ पर बहुत सारे खिल्ली लग रहा है, तो यहाँ पर मेरे को बहुत सारे खिल्ली लेके आ जाता हूँ एक ही बार में, और पूरा ना काम खत्म कर जाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे अब यहाँ पर अपने ना स्टोरेज रूम में ना खिल्ली भर के रखा है। यहाँ पर कोई एक स्टैक, 2 स्टैक, और ये नीचे का जो 20 बाकी का यहाँ पर हो गया एक और स्टैक। यहाँ से एक और स्टैक ले लेते हैं, और यहाँ से अपना निकलते हैं, और वहाँ पर जाके वापस ना बनाना शुरू कर देते हैं जितना हमारा बाकी है काम। हाँ, तो यहाँ पर देखो मैं पूरा खिल्ली ना भर के ले लिया है, अब देखो खिल्ली की कमी नहीं पड़ेगी हमको। तो वापस हम लोग वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर देखो इतना बन चुका है, अब मेरे को लगता है कि 4 से 5 ही बन पाएगा इतने एरिया में। यहाँ पर जितना बन सकते हो उतना बना देते हैं, और इस पर हम लोग ना मिट्टी भी वापस डालना पड़ेगा ना मिट्टी। यहाँ पर देखो ये प्लेटफॉर्म बना देते हैं इसको। यहाँ पर देखो यहाँ पर एक और बना लिया है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से ज़्यादा नहीं बनाने वाले, बस इतना बहुत हो गया। अब हम लोग ना मिट्टी लेके आते हैं, और मिट्टी ना सबके ना डाल देंगे। तो यहाँ पर देखो मेरे वो जो पीछे चेस्ट है ना, वो चेस्ट पे मिट्टी है, और अभी देखो मेरे पास सिर्फ ना 2 मिट्टी है। तो यहाँ पर देखो एक इसमें डाल देते हैं 2 मिट्टी, एक और दूसरा इसमें डाल देते हैं। मैं अपने चेस्ट में से देखो यहाँ से मिट्टी ले लिया, अपना पूरा मिट्टी जितना भी लिया ना, सारे जितने भी मैं लगाया हूँ सब पे मैं मिट्टी भर देता हूँ, जिससे ना नारियल ना आराम से उग सकते। तो यहाँ पर मेरे पास पूरा 25 ना मिट्टी है, ये 25 के 25 देखते हो कितना लग सकते। 25 तो नहीं लगने वाले, मेरे को लगता है कम से कम 7-8 है, तो 7-8 लग जाएंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर 2 मीटर में मिट्टी भर दिया है, और जितना बाकी है ना बाकी में भी मिट्टी भर देते हैं। यहाँ पर मैं नारियल का भी ना बीच से मेरे पास ये नारियल का बीच बीच में बो देते हैं। यहाँ पर मैं नारियल का बीच बो दिया है, और यहाँ पर ये जितना भी मिट्टी है मिट्टी भर देते हैं। तो देखो 1, 2 ऐसा पूरा भर देते हैं, और इसके लिए हमको ना पानी भी डालना पड़ेगा। यहाँ पर जितना है उतना
सारे ना मतलब कि प्लेटफॉर्म में ना उसके मिट्टी भर देंगे, जिससे नारियल ना आराम से एकदम लंबा उग सकता है। और इसमें एक हम लोग एक बार ना इसका बिया बो देंगे ना, हम बीज तो है ना आराम से मतलब कि एक या दो मिनट में पूरा लंबा ना पेड़ ना उगकर तैयार हो जाएगा। तब ना इसका मैं ना सीड लेके आता हूँ, जिससे हम लोग ना आराम से उगा सके। बिया लेकर आया उससे पहले मैं यहाँ पर देखो बाल्टी बना के सब में ना पानी भर देता हूँ, पानी भर दूंगा फिर उसके मैं ना सीड डालूंगा ना, तो तुरंत ना पेड़ ना उग जाएगा नारियल का पेड़। यहाँ पर देखो जितना भी पेड़ दिख रहा है ना सब पे मेरे को ना मिट्टी डालना पड़ेगा, तो सब में मैं मिट्टी डाल के और ना सीड लेकर आता हूँ। देखो मैं पानी सब में डाल दिया, अब देखते कोई वो पहले वो पेड़ ना उगाया था ना, ये देखो यहाँ पर नारियल का पेड़ उग चुका है, यहाँ पर अभी भी उग ही रहा है। ध्यान से देखो यहाँ पर मैंने जो पहला सीड डाला था ना नारियल का, वो देखो पेड़ अभी उग चुका है। अब इसका जब बाकी का जितना भी मेरे पास अभी चेस्ट देखता हूँ जितना सीड होगा मेरे पास इसका बिया, तो सारे ना सीड ना यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। यहाँ पर मैंने जितना मेरे पास सीड था ना सारे सीड मैंने लगा दिया है, यहाँ पर सारे पेड़ ना अभी उगना शुरू हो गए थे। यहाँ पर ये वाला पेड़ देखो अभी भी ना उग रहा है, यहाँ पर उसके बाजू वाला सबसे पहले लगाया था वो देखो बड़ा हो चुका है, ये बाकी का अभी ना अभी ना नया नया ना उग चुका है। और बाकी का मेरे पास ना सीड नहीं था, तो बस नया सीड था मेरे पास, तो इतना पेड़ ना उग चुका है। अब जब नारियल इसमें से निकलेगा तो आपको ना इसका एक अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा इसमें से ना एक पेड़ में से कितना नारियल मिलता है।